नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। तीव्र आकांक्षा में आदमी दान धर्म नहीं करता, ये उद्गार परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के परम शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रशम सागर ने अपने उद्बोधन में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मोठे मंदिर के इंद्र भवन में कहा। आगे कहा, मिथ्यात्व जीव सभी विपरीत मानने लगता है, शुभ को अशुभ, शुद्ध को अशुद्ध मानने लगता है। पद्म पुराण में राजा अरिंजय के पास 7 पीढ़ी खाएंगी इतना धन था, लेकिन फिर भी वे आने वाले कल के बारे में सोचकर नेक कार्यों में जुटे रहे। ये जीव तिर्यंच गति में जाना नहीं चाहता, गया तो निकलना नहीं चाहता, कष्ट में आदमी मरना नहीं चाहता, इसलिए हमें समता भाव धारण करना चाहिए। अनुपम सागर जी ने प्रवचन में कहा कि ऐसा करने पर सब और समृद्धि एवं संपन्नता होगी, कुसंगति से सब नष्ट हो रहा है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अतः सच्चाई एवं नेकी के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। महमुदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लोनारा नागपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीश अहमद के हाथों स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अल्फिया ने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक तथा विश्व स्तर पर 4 स्वर्ण पदक प्राप्त कर पूरे विश्व में नागपुर का नाम रोशन कर देश की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्थान बनी है। इस कार्यक्रम में सेंट्रल इंडिया फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य रवि कलसाई, DDUGKY के प्रोजेक्ट हेड तुषार मिश्राम, अल्फिया पठान के वालिद अक्रम पठान, स्वाति बोधनकर, मसरत अली आदि उपस्थित थे। डॉक्टर अनीस अहमद ने अपने भाषण में कहा कि आमतौर पर मुस्लिम समाज लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन अल्फिया ने ये ख्याति प्राप्त कर मुस्लिम लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूं कि सभी समाज की लड़कियां अल्फिया से प्रेरणा लेकर सभी क्षेत्र में आगे बढ़े तथा स्वयं का, देश का नाम रोशन करें। उनके इस कामयाबी और ख्याति के लिए तिरंगा अवार्ड से नवाजा गया। रवि कलसाइत ने अपने भाषण में अल्फिया पठान को बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर बधाई दी। अजनी परिक्षेत्र में वसुंधरा तथा जीवाला परिवार द्वारा जिनके पालनकर्ता नागेश पाटिल तथा मीना पाटिल है, विदित हो कि अन्य अन्य प्रांतों से जो बच्चे निराश्रित तथा गरीब है पढ़ाई के लिए यहां आते हैं। उनकी खाने की व्यवस्था तथा रहने की व्यवस्था, पढ़ाई का खर्च सब संस्था द्वारा दिया जाता है। पढ़ाई होने के बाद नौकरी करते हैं। वैश्य एकता परिषद महाराष्ट्र प्रदेश के तत्वाधान में तथा रामकृष्ण गुप्ता राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रदीप गुप्ता दोसर वैश्य शिक्षण समिति के अध्यक्ष ने बच्चों को मिठाई तथा नाश्ता कराया और उन्हें उपहार भी दिए। इस अवसर पर एक छात्रा का जन्मदिन भी मनाया गया, सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया गया। रामकृष्ण गुप्ता ने उद्बोधन में कहा कि निराश्रित तथा गरीब बच्चों का लालन पालन करना एक श्रेष्ठ तथा पुण्य का कार्य है। आर्थिक स्थिति से संपन्न परिवारों ने मदद के लिए सहयोग तथा संकल्प करना चाहिए। अंजना गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। उपरोक्त अवसर पर शंकर गुप्ता, संजय गुप्ता, किशोर गुप्ता, गौरव गुप्ता, अविनाश गुप्ता, शिवदयाल अग्रहरी, स्नेहा गुप्ता, ममता गुप्ता, सीएल गुप्ता आदि उपस्थित थे। श्री गोवर्धन नाथ हवेली पूर्व वर्धमान नगर में परम पूज्य दुर्मिल कुमार जी महाराज का आगमन आज होगा, जिसमें हवेली में संध्या दर्शन में हिंडोला दर्शन 5 बजे होंगे। रविवार 7 अगस्त को महाराज जी हवेली में ब्रह्म संबंध 10 बजे देंगे। तत्पश्चात दोपहर 4 बजे प्रेस वार्ता पत्रकार भवन पंचशील चौक में होगी एवं 4:30 बजे महाराज के वचनामृत वर्धा रोड स्थित गुजराती समाज भवन लोकमत चौक में होंगे। सोमवार 8 अगस्त को हवेली में श्री जी के सानिध्य में श्रीनाथ जी को पवित्रा श्रृंगार दर्शन में 10 बजे धराए जाएंगे। ब्रह्म संबंध को इच्छुक वैष्णव हवेली से संपर्क करें व श्री जी के सत्संग का लाभ लें। कांग्रेस नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दबाव में वार्ड का ढांचा बदला है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री थे। उस समय मंत्रिमंडल में स्थानीय स्वशासी निकायों में वार्ड गठन का विषय आया था। तब हमने 3 सदस्यीय वार्ड ढांचे का विरोध किया, लेकिन उस समय शिंदे 3 सदस्यीय वार्ड संरचना के लिए राजी हो गए थे। हालांकि इस वार्ड स्ट्रक्चर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। राउत ने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे के कंधे पर बंदूक रख दी है और महाविकास आघाड़ी सरकार के वार्ड ढांचे के फैसले को बदल दिया है।
उनका कहना है कि ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि इसके फैसले जमीनी स्तर के नहीं है, इनकी नीति प्रदेशवासियों को पसंद नहीं आएगी। रक्षाबंधन का पर्व अब 5 दिन दूर है, इसे मनाने के लिए लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, इसलिए अब बसों में भीड़ भी बढ़ने लगी है। जून महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट में 8 रुपए और डीजल के दामों में 6 रुपए की कटौती की थी, लेकिन इसका फायदा आम यात्रियों को नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण बस और टैक्सी संचालकों द्वारा किराए में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की गई, जबकि भाव बढ़ाने की बारी आती है तो तुरंत किराए में इजाफा कर दिया जाता है। यात्रियों का कहना है कि भले सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम में 1 रुपए का इजाफा करे, इसके बाद अब बस और टैक्सी संचालन 15 से 20% तक किराया बढ़ा देते हैं। कई बार तो 5 साल के कम के बच्चे का भी हाफ टिकट लेने का दबाव बनाते हैं। उनका एक ही रोना होता है कि तेल के दामों में इजाफा हो गया है, इसलिए किराया बढ़ाया है। लेकिन जब तेल के दाम घटते हैं तो किराए को घटाने की बजाय वही रखते हैं। तब इनका कहना होता है कि यात्रा करनी है तो तय किराया देना होगा। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के दौरान दोपहर को भोजन उपलब्ध कराने की योजना सरकार की ओर से जारी की गई थी। बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस संदर्भ में इच्छुकों से टेंडर मंगाए गए। टेंडर की प्रक्रिया में सबसे न्यूनतम बोली लगाने के बावजूद अन्न आपूर्ति के लिए कार्यादेश नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसी तरह से ठेका पाने के लिए किचन और गोदाम की आवश्यकताओं को लेकर योग्यता में परिवर्तन किए जाने के बाद भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस तरह से एक ही मसले को लेकर अलग अलग याचिकाएं होने के कारण शुक्रवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं एक साथ 12 अगस्त को सुनवाई के लिए रखने के आदेश देकर मामला स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि मिड डे मील का ठेका लेने से पूर्व मनपा ने ईओआई मंगाया था। इच्छुकों के लिए मनपा ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसके अनुसार किचन के लिए 1000 वर्ग फुट और गोदाम के लिए 1000 वर्ग फुट आवश्यक होने की जानकारी दी गई थी। प्राथमिक शिक्षा संचालक की ओर से 29 जून 2022 को नए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विदर्भ में राज्य की 78% खनिज और 80% वन संपदा है। विदर्भ से लगा छत्तीसगढ़ भी खनिज संपदा से भरपूर है। इन दोनों ही राज्यों में भरपूर खनिज संपत्ति होते हुए भी हमें वो आयात करना पड़ता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खनिज के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा खनिज संपदा पर आयोजित चर्चा सत्र में बोल रहे थे। उस दौरान उपकुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा, डॉक्टर राजेश्वर आदि उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि खनिज उत्पादन बढ़ाना चाहिए। पानी, बिजली, सड़क, संवाद साधन नहीं होंगे तो उस भाग में उद्योग नहीं आते, जिससे रोजगार निर्माण नहीं होता और गरीबी दूर नहीं होती। जहाँ जंगल है वहाँ खनिज है, और खनिज है तो वहाँ आदिवासी समाज है, लेकिन आदिवासियों के जीवन में जो सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि पर्यावरण रक्षा नीति बनाते समय आदिवासियों का जीवन बदल सके इस पर ध्यान नहीं दिया। गडकरी ने कहा कि खनिज संपदा का मूल्य वर्धन होना चाहिए, इसके लिए यूनिवर्सिटी का योगदान महत्वपूर्ण है। सरकार में विविध विभाग है, लेकिन एक क्या करता है दूसरे को जानकारी नहीं होती। नागपुर सहित विदर्भ में अन्य 3 मनपा चुनाव एक वार्ड एक पार्षद पद्धति से कराने की मांग जय विदर्भ पार्टी ने की है। अपनी मांग का निवेदन शिष्टमंडल के माध्यम से जिलाधिकारी आर विमला को सौंपकर कहा कि कुछ दिनों से मनपा चुनाव की तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन प्रभाग रचना में बार बार बदलाव बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से कर सत्ता में आने के बाद कर रही है। अब फिर 4 पार्षद के प्रभाग सिस्टम की घोषणा की गई है। पार्टी अध्यक्ष अरुण केदार, विष्णु आष्टीकर, मुकेश मासूरकर, गुलाबराव धांडे, तात्या साहब मते, ज्योति खांडेकर सहित पदाधिकारियों ने कहा कि 4 सदस्यीय प्रभाग रचना छोटी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रतिनिधियों का नामोनिशान मिटाने का षड्यंत्र है। ठाकरे सरकार के काल में मुंबई महानगर में प्रभाग रचना के बिना वार्ड सिस्टम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, और अब मनपा नागपुर में 4 सदस्यीय प्रभाग सिस्टम की घोषणा की गई। बड़ी पार्टियों द्वारा अपनी सहूलियत व बार बार बहुमत से सत्ता पाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के नागरिकों की सेवा और उनके दुख सुख में सहभागी रहता है, जिससे नागरिकों में उसकी तथा संगठन की अच्छी छवि बनती है। महानगर पालिका चुनावों में इसी सेवा और सद्भाव का आशीर्वाद वोटों के रूप में पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है।
संगठन के माध्यम से समाज की सेवा तथा शहर का विकास करने में आसानी होती है। इसलिए सभी कार्यकर्ता ने अपने अपने क्षेत्र में हर घर पहुंचना जरूरी है। वे जरीपटका स्थित महात्मा गांधी स्कूल प्रांगण में आयोजित भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे। इसी दौरान हर घर तिरंगा अभियान के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील भी उन्होंने की। शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, विकास कुंभारे, दयाशंकर तिवारी, सुधाकर देशमुख, गिरीश व्यास, अनिल सोले, अशोक मानकर, मिलिंद माने, संजय भेंडे, उपेंद्र कोठेकर, रमेश मंत्री, संदीप जोशी, अशोक मेंढे, राजेश बागड़ी, श्रीकांत देशपांडे, अविनाश ठाकरे, धर्मपाल मेश्राम, अर्चना डेहनकर, जयप्रकाश गुप्ता, संजय अवचट सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शुक्रवार को नागपुर शहर कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, किसानों को नुकसान भरपाई न दिए जाने के विरोध में विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी भी दी। प्रदेश महासचिव अतुल कोटेचा, उमाकांत अग्निहोत्री, विशाल मुत्तेमवार, गिरीश पांडव, बंटी शिल्के, प्रशांत धवड़, नैश अली, आशीष दीक्षित सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह महंगाई को बढ़ाया जा रहा है व देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके विरोध में कामठी विधानसभा में एनएसयूआई ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुरेश भोयर, शकूर नागानी व यूथ कांग्रेस के नेता इरशाद शेख के नेतृत्व में भारी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कामठी तहसील ऑफिस में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया व निवेदन पत्र दिया। इस आंदोलन की अध्यक्षता एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे व कामठी विधानसभा अध्यक्ष इरफान अहमद ने की। इस आंदोलन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ये प्रण लिया कि अगर देश में बढ़ रही महंगाई व बेरोजगारी कम नहीं हुई तो वो एनएसयूआई के माध्यम से सारे देश में आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में एनएसयूआई प्रदेश महासचिव प्रतीक कोल्हे, विनोद नौकरिया, प्रणय ठाकुर, चेतन मेश्राम, साहिल गायकवाड़, कुणाल चौधरी, रॉयल गेडाम, रौनक नानगावे, हर्ष बर्डे, रशीद अंसारी, दया शाहू, शशांक अंजिकर, फरमान खान, अरशद खान, अंकिर बोहत, सार्थक कुर्तकोटी, निखिल शिरपुरकर, पारस गजभिये, नैकित दहीकर, रुपम जामड़े, संगादी पिंगोले, निशान गोतमारे, कुणाल देशमुख सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अपराधों पर रोकथाम के साथ ही नागरिकों के मन में विश्वास और अपनापन जगाना भी पुलिस के कर्तव्यों में एक है। नागपुर शहर पुलिस ये काम बखूबी कर रही है। इसकी बानगी तब नजर आई जब शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जरीपटका में एक वृद्धा के घर पहुंचे और चोरों से बरामद उनके नकदी और कीमती गहनों समेत 10 लाख रुपए का सामान उन्हें सुपुर्द किया। करीब 2 महीने पहले 6 जून को 60 वर्षीय जानकी खिलवानी दोपहर करीब 12 बजे पूजा करने घर के पास ही एक मंदिर गई थी। उन्होंने घर पर ताला लगाया था, लेकिन मंदिर से लौटने पर उन्हें ताला टूटा दिखा। पता चला कि किसी अज्ञात चोर ने उनके बेडरूम की अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी समेत 10 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया है। ये देखते ही जानकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये उनकी जीवन भर की कमाई थी। मामला दर्ज होने के बाद अपनी जिंदगी भर की कमाई वापस आने की आस में जानकी शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची। सीपी अमितेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया एवं जांच के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ पीड़ित महिला को उनका पैसा लौटा दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, आज ये बताने के लिए किसी का अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। आज करों के मकड़जाल में व्यापारी इस तरह फंस गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि करों की पालना करे या व्यापार। ये कथन है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उद्योग व व्यापारी सेल के प्रमुख अतुल कोटेचा का। कोटेचा ने बताया कि जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार ने एकल कर की बात कहकर सरलीकरण का वादा किया था, लेकिन सरलीकरण तो दूर, आज तक व्यापारी को जीएसटी समझ तक नहीं आया है। सैकड़ों संशोधन हो चुके, करों के बोझ से महंगाई भी बढ़ रही है और आम जनता की कमर टूट गई है। आज जब खाने पीने की महंगाई 7.75% पर पहुंच गई है और सब्जियों में महंगाई दर 17.37% है, तो क्या ऐसे समय आटा और अनाज जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाना उचित है? स्पष्ट है कि जटिल कराधान प्रणाली की सजा व्यापारियों के साथ साथ देश की जनता भी भुगत रही है और केंद्र सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही। आज नागपुर एयरपोर्ट केवल नाम का ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट रह गया है। यहाँ से जिस तरह की कनेक्टिविटी लोग चाहते हैं, वैसे उन्हें मिल नहीं पा रही।
दिल्ली मुंबई को छोड़ दिया जाए तो यहां से चेन्नई के लिए फ्लाइट की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन उसे बंद भी कर दिया गया। वहीं कोलकाता के लिए भी कभी कभार ही फ्लाइट उड़ती है। वहीं अब तो एयर इंडिया ने भी दिल्ली मुंबई के लिए लंबे समय तक सेवा को रद्द कर दिया है। देश का सेंटर यानी जीरो माइल होने के बाद भी यहाँ से बड़े महानगरों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलना नागपुर एयरपोर्ट को पिछड़ेपन की श्रेणी में डालता है। आज भी यहाँ के यात्रियों को डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होने के चलते उन्हें वाया वाया होकर ही जाना पड़ता है। इस समय यहाँ से मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहर के लिए ही फ्लाइट शुरू है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एयरलाइंस ने नागपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली सेवा को रद्द कर दिया है। इसमें दिल्ली नागपुर दिल्ली के लिए फ्लाइट नंबर AI-497 व AI-498 व मुंबई नागपुर मुंबई की फ्लाइट क्रमांक AI-629 व AI-630 को 20 अगस्त से 29 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में प्री इंटरलॉकिंग तथा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 4 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। इसकी वजह से 6 से 16 अगस्त तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार 08743 गोंदिया इतवारी मेमू, 08744 इतवारी गोंदिया, 08756 इतवारी रामटेक मेमू, 08751 रामटेक इतवारी मेमू, 08754 इतवारी रामटेक, 08755 रामटेक इतवारी मेमू, 08741 दुर्ग गोंदिया स्पेशल, 08742 गोंदिया दुर्ग स्पेशल 9 से 14 अगस्त, 08267 रायपुर इतवारी स्पेशल 9 से 13 अगस्त, 08268 इतवारी रायपुर 10 से 14 अगस्त, 18239 कोरबा इतवारी 7 से 13 अगस्त, 18240 इतवारी बिलासपुर, 12855 इंटरसिटी 6 से 13 अगस्त, 12856 इंटरसिटी 8 से 14 अगस्त तक कैंसिल रहेगी। इसी प्रकार 11754 रीवा इतवारी 8, 10 और 13 अगस्त, 11753 इतवारी रीवा 9, 11 और 14 अगस्त, 18109 टाटा इतवारी 5 से 12 अगस्त, 18110 इतवारी टाटा 7 से 14 अगस्त, 12771 सिकंदराबाद रायपुर 8, 10 और 12 अगस्त, 12772 रायपुर सिकंदराबाद 9, 11 और 13 अगस्त, 18030 शालीमार एक्सप्रेस, 18029 शालीमार एक्सप्रेस 8 से 13 अगस्त, 22846 हटिया पुणे 8 और 12 अगस्त, 22845 पुणे हटिया 10 और 14 अगस्त, 20813 पूरी जोधपुर 10 अगस्त, 20814 जोधपुर पूरी 13 अगस्त, 20845 बिलासपुर बीकानेर 6 और 11 अगस्त, 20846 बीकानेर बिलासपुर 9 और 14 अगस्त, 20843 बिलासपुर भगत की कोठी 8 और 9 अगस्त, 20844 भगत की कोठी बिलासपुर 11 और 13 अगस्त, 22620 तिरुनेलवेली बिलासपुर 7 अगस्त, 22619 बिलासपुर तिरुनेलवेली 9 अगस्त, 22815 बिलासपुर एर्नाकुलम 8 अगस्त, 22816 एर्नाकुलम बिलासपुर 10 अगस्त, 13425 मालदा सूरत 6 और 13 अगस्त, 13426 सूरत मालदा। देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न जोन से निकले रेलवे सुरक्षा बल बाइकर्स की टीमें शुक्रवार को नागपुर स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना की गई। टीम पहले छिंदवाड़ा जाएगी, फिर वहां से ये सभी दिल्ली निकलेंगे। सभी स्वतंत्रता दिवस को राजधानी पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि रेलवे नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में RPF द्वारा बुलेट बाइक रैलियां निकाली गई। इन रैलियों को 15 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में नागपुर स्टेशन से रवाना की गई RPF बाइकर्स टीमें में पूर्वी तटीय रेल भुवनेश्वर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की संयुक्त बाइक रैली टीम रवाना की गई। 40 सदस्यों की इस संयुक्त टीम में 20 बाइकर्स और 2 पायलटिंग वाहन है। इस दौरान AST कोटा जोजी, PIRL मीना, GRP निरीक्षक मनीषा काशित व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी बाइकर्स को गुलाब का फूल देकर उनका अभिनंदन किया गया। हिंगनाम में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ राकांपा नेता रमेश चंद्र बंग की अध्यक्षता में स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति के हॉल में हिंगना विधानसभा राकांपा कार्यकर्ताओं का मेलावा संपन्न हुआ। इस समय NCP के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी विचारधारा और पार्टी नेताओं के प्रति वफादारी जरूरी है।
साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आम लोगों तक पहुंचकर ही पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सकता है। जब कार्यकर्ता लोगों से संवाद करे तो उनकी समस्याओं का पता लगाए और उनका समाधान करे। साथ ही आगे बोलते हुए विद्रोही ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जिनका अपने नेताओं के प्रति कोई वफादारी नहीं है। अध्यक्ष पद से बोलते हुए रमेश चंद्र बंग ने कार्यकर्ताओं से हर गांव में बूथ स्तर पर पार्टी का निर्माण कर पार्टी का नेटवर्क मजबूत करने की अपील की। इस अवसर पर मंच पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजू राउत, हिंगना विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश नागपुरे, जिला परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गट नेता दिनेश बंग, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष बबन राव आवले, खरीदी बिक्री संस्था के अध्यक्ष श्याम बाबू गोमा से, जिला परिषद सदस्य रश्मि कोटगुले, वृंदा नागपुरे, नागपुर पंचायत समिति उपसभापति संजय चिकटे, हिंगना पीएस उपसभापति सुषमा कावले, नागपुर ग्रामीण तालुका अध्यक्ष संजय कुंटे, युवा जिला अध्यक्ष आशीष पुन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। उत्तर नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक 15 प्रभाग 3 में परेशानियों का जिक्र स्थानीय अधिकारियों के समक्ष किया है। एकता नगर में जर्जर हुई सीवर लाइन को दोबारा ख्वाजा एसटीडी के पास से चांभार नाले तक नई डाली जाए। जर्जर हुई सीवर लाइन की वजह से नागरिक को हो रही परेशानियों को देखते हुए ब्लॉक 15 के अध्यक्ष मूलचंद मेहर एवं नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष शाहिदा खान के मार्गदर्शन में प्रभाग 3 के अध्यक्ष शेख शहाबुद्दीन, पूर्व नगर सेवक परसराम मानवटकर, वार्ड 6 के अध्यक्ष मृणाल वाड़ीचार, प्रभाग 4 के अध्यक्ष राजेश कुहाड़, वार्ड 4 के अध्यक्ष दशरथ मालवी के नेतृत्व में महानगर पालिका आसीनगर जोन के उपायुक्त व आरोग्य विभाग तथा सार्वजनिक बांधकाम की उपस्थिति में कनिष्ठ अभियंता सरपाटे को ज्ञापन दिया गया। सरपाटे ने शिष्टमंडल को कहा कि इसका निरीक्षण करके जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। ज्ञापन देते वक्त इकबाल भाई, उबेद भाई, जमील भाई, सलीम भाई, इब्राहिम भाई, साबू भाई, मकसूद पटेल, रज्जम भाई, फिरोज भाई आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री वेंकटेश देवस्थान धारस्कर रोड में झूला उत्सव 14 अगस्त 2022 तक रोज भगवान के विभिन्न रूपों में दर्शन शाम 6 से रात 10 बजे तक होंगे। आज के यजमान डॉक्टर पुरुषोत्तम दीप पालीवाल, पुष्प श्रृंगार के यजमान नवल किशोर काकाणी रहे। वेंकटेश मंदिर की उत्सव समिति के विजय सारडा, राजकिशोर सारडा, परमेश्वर लड्ढा, धनंजय मांगलकर, रामावतार बजाज, सतीश बियानी एवं मंदिर ट्रस्टी गोविंद बाबू सारडा ने भक्तों से लाभ लेने का निवेदन किया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।